सो आज की इस वीडियो में हम लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन लगाने वाले हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये हम इक्वेशन लिखते हैं, इसी को हम लैग्रांज लीनियर पीडीई बोलते हैं, राइट। तो फिर इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होता है और उसके बाद फिर यू और वी का वैल्यू निकालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और इसके थ्रू हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और इसे हमें लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि अगर हम सबसे पहले जो हमारे पास लैग्रांज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या था, ये इक्वेशन था। तो इस इक्वेशन से अगर हम यहाँ पे तुलना करें इसका, तो ये पी का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी का वैल्यू हो जाएगा वाई जेड, क्यू का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, वन सेकेंड, ये कैपिटल क्यू है, क्यू का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा जेड एक्स और आर का वैल्यू यहां से हो जाएगा एक्स वाई। तो ये हमारे पास गिवन है, राइट। सो ये जो इक्वेशन फर्स्ट, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ही हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज द इक्वेशन फर्स्ट इज लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम निकालें, राइट, ए ई निकालें, मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको ए ई करके ही लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन है यहाँ पे। तो अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा था डी एक्स बाई, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मूला था हमारे पास डी एक्स बाई पी इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई आर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तीन हमारे पास दिया गया है तीन टर्म में और तीनों इक्वल में है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तीनों को एक ही बार लेके सॉल्व करेंगे या फिर किन्हीं दो को हम सॉल्व करेंगे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं, अगर हम यहां पे लेंगे तो हम दो ही को, या तो इन दोनों को लेंगे, या तो इन दोनों को लेंगे, या तो इन दोनों को लेंगे, लेंगे हम किन्हीं दोनों को, लेकिन किसको लेना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हम u का वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू निकालेंगे, जो कि ऑलरेडी यहां पे आप देख चुके हो u और v क्या होता है। तो यहां पे अगर हम बात करें क्यों और कब इसका यूज करेंगे, तो ये आप देख सकते हो ये x के टर्म में है, x के रिस्पेक्ट में है और ये y के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो जब ये x के रिस्पेक्ट में है और ये y के रिस्पेक्ट में है तो यहां पे z दोनों में कॉमन होना चाहिए, अगर दोनों में z कॉमन है तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब सेकंड वाले की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो y के रिस्पेक्ट में है और ये z के रिस्पेक्ट में है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये y के रिस्पेक्ट में है और ये z के रिस्पेक्ट में है तो बचा कौन, अगर हमारे पास x y z दिया है y और z के रिस्पेक्ट में है तो बचा x, मतलब दोनों में कॉमन x होना चाहिए, अगर दोनों में कॉमन x होगा तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इन दोनों की बात करें, इसकी अगर हम बात करें x और z की, तो दोनों में y कॉमन होना चाहिए तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गया होगा और अगर आगे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये वैल्यू आप देख सकते हो dx इज इक्वल टू, p का वैल्यू हमारे पास क्या आया है वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई, क्यू का वैल्यू हमारे पास जेड एक्स है इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर का वैल्यू है एक्स वाई। अब एक बार हम इन दोनों को ले लेते हैं, सेकंड बार में हम इन दोनों को ले लेंगे। तो जब हम टेकिंग फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट वाले को लेते हैं, मतलब अगर हम यहां लिख लो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, फर्स्ट टू बोलने का मतलब है डीएक्स बाई वाई जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई जेड एक्स। अभी जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि ये चीज अगर देखो x और y के टर्म में है, मतलब z दोनों में कॉमन होना चाहिए, ये देखो z दोनों में कॉमन है, मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको आगे देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, z से z कैंसिल कर देंगे एंड ये हमारे पास हो जाएगा x dx इज इक्वल टू y dy। अब ये x dx इज इक्वल टू y dy यहां से हो गया, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे और ये जो हमने ये निकाला ना इसको क्या बोलते हैं, ये हम आ गया by SOV। अब क्वेश्चन ये आता है कि SOV का मतलब क्या है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ये लिखना आपको बहुत जरूरी है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जो आपका कॉपी को चेक करेगा उसको पता होना चाहिए कि आपको ये पता है कि आप क्यों इसको ऐसे किए, हम क्यों ये फ्रैक्शन को लिए, क्यों हम फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लिए, हम थ्री फ्रैक्शन को क्यों नहीं लिए, हम एक फ्रैक्शन को क्यों नहीं लिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास आता है बाई एसओवी से, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ये हमारे पास आता है।
तो ये लिखना आपको जरूरी है। आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये चीज लिखना जरूरी है एसओबी। अगर एसओबी भी लिखते हो तो उसको पता चल जाएगा कि आप ये चीज जानते हो। तो अब ये तो हमारे पास हो गया, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू, और एक हम कोई भी कॉन्स्टेंट ले लेंगे सपोज सी वन। ये दो से दो कैंसिल कर दो, अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन। ये वैल्यू आप यहां पे रख सकते। अब ये चीज आप देख सकते हो यहां पे, अगर हम बात करिए टू सी वन आ गया, राइट, टू सी वन आ गया। तो अब यहां पे अगर हम देखें तो ये आप टू सी वन के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू भी तो लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो सपोज टू सी वन इज इक्वल टू सी टू। तो ये जो वैल्यू है हमारा, एक वैल्यू आ गया। कहने का मतलब यह है कि जब हम इन दोनों को लिए, फर्स्ट दो फ्रैक्शन को लिए तो वहां से हम यू का वैल्यू निकालेंगे, और जब सेकेंड दो फ्रैक्शन को लेंगे तो वहां से हम भी का वैल्यू निकालेंगे, और इस तरीके से हमारे पास यू और भी दोनों आ जाएगा। तो ये चीज आपने देखा कि अभी हमने क्या किया, अभी जब हम फर्स्ट टू फ्रैक्शन को लिए थे तो यहां से हमारे पास यू का वैल्यू आ गया। अब सेकेंड टू फ्रैक्शन लेंगे, या फिर इसको बोल सकते हो लास्ट टू फ्रैक्शन, टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन, लास्ट टू फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, डीवाई बाई जेड एक्स इज इक्वल टू, ये अगर हम देखें तो जेड डी जेड बाई एक्स वाई। अब आप यहां पे देख सकते हो ये वाई और जेड है, तो एक्स यहां पे कॉमन है, ये एक्स को एक्स से कैंसिल कर दो, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू जेड डी जेड। ये कैसे आया, तो बाई एसओ भी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के थ्रू अब जब ये आ गया, तो अब हम जब इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड डी जेड। तो यहां से वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई टू। अभी हमने ऑलरेडी सी टू तक कवर कर चुका है, तो हम यहाँ पे सी थ्री कॉन्स्टेंट दे देते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी थ्री, मतलब इसको हम डायरेक्ट सी फोर भी बोल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहां से जो वैल्यू आया, इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास वी का वैल्यू है। तो वी का वैल्यू आने के बाद अब आप देख सकते हो कि हमारे पास यू का वैल्यू भी आ गया और वी का वैल्यू भी आ गया। सो यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो यू का वैल्यू आप देख सकते हो क्या आया था हमारे पास, ये अगर हम बात करें तो यू का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू यहां पर देख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो इसको हम इन तीन टर्म में लिख सकते हैं। ये तीन टर्म मैंने आपको कौन कौन सा बताया था चलिए देख लेते हैं। तो मैंने तीन टर्म बताया था कि या तो इसको इस तरीके से लिखो, या तो आप इसको इस तरीके से लिखो, या तो आप इसको इस तरीके से लिखो। तो तीनों टर्म में लिखने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हो यहां पर, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और कॉमा करके हम इसको ले लेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास पहले के लिए हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास यू का वैल्यू कितना आया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आ गया। अगर इसकी बात करें तो ये हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये करते करते आपको यहां पे आंसर लाना है, और तीनों आंसर आ गया। आपको किसी एक को ही लिखना है, लेकिन ये तीनों आंसर हो सकता है। आप फर्स्ट वाले को लिखो, सेकंड वाले को लिखो, थर्ड वाले के लिखो, तीनों आपका आंसर है, तीनों यहां पे सही होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कैसे हम क्वेश्चन को लगाएंगे यहां पे। तो ऑलरेडी मैंने आपको 6-6 क्वेश्चन बताया था, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।